हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर संस्कृति गुरुकुलम। आई एम योर मैथ्स टीचर। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सब लोग ठीक है ना? स्टे होम, स्टे सेफ। सो चलो, आज हम मैथ्स की क्लास का मैथ्स चैप्टर 1, नोइंग अवर नंबर्स एंड एक्सरसाइज 1.1। हमने लास्ट टर्न पे, लास्ट क्लास में, एज वी ऑलरेडी स्टडीड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन से नंबर बड़े होते हैं, कौन से नंबर छोटे होते हैं, हमने बहुत इजिली से आइडेंटिफाई किया था। नाउ विल टॉक अबाउट द एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज चैप्टर 1 का, नोइंग अवर नंबर एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। इस डैश में क्या आएगा? इस डैश में आपको क्या फिल करना है? वो 1 लाख के इक्वल होना चाहिए। सो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हमको इस फिलअप में क्या फिल करना है, और वो जो आप फिल करोगे वो 1 लाख के इक्वल आना चाहिए, ठीक है? So, आप क्या देखोगे? सबसे पहले 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? 1 लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 लाख। सो अब पुट कॉमास इन दिस वर्ड, 1, 2, 3, ये डिजिट में आपको कॉमा लगाना है। ये हो गया आपका 1 लाख। नाउ इस 1 लाख को हम और क्या बोल सकते हैं? इस 1 लाख को हम बोल सकते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, और यहां पर लिखा हुआ है 10,000। सो यहां से देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो थाउजेंड में कितने जीरो आ गए? 4। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, अब यहां पर क्या बचा? 10। सो देखिए ये क्या आ गया, 10 और 1000। तो यहां पर ऑलरेडी क्या मेंशनड है? 10,000 मेंशनड है। सो एक और हमको क्या लगाना पड़ेगा? यहां पर एक और हमको 10 लगाना पड़ेगा। सो दिस इज 10,000। 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। आप देख लीजिए 10,000, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 10,000, और 10,000 ये हो गया आपका 10,000, और 10,000 में एक और 10 अगर लगा देते हैं, एक और 10 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10,000 में जब हम एक और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे लाइक ये 10,000 है, इसमें एक और 10 का हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आ जाता है 1 लाख। कितना आ जाता है? 1 लाख। सो आवर आंसर इज 10। और यहां पर हम इस तरह से नहीं लिखना चाहें तो हम यहां लिख सकते हैं 10। 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। ओके, नाउ नेक्स्ट, 1 मिलियन। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू व्हाट? 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना हो गया? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख एंड 10 लाख। सो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। काउंट कर लो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, एंड दिस इज 10 लाख। सो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे? हम यहां क्या लिखा हुआ है 100, और यहां क्या लिखा है 1000। दोबारा से देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये आ गया आपका 1000, और यहां देखो आप वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, और यहां लगा दिया हमने क्या? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, और दिस इज 10 लाख। सो ये 10 लाख को हम कैसे भी लिख सकते हैं 100,000 में। कैसे? हम यहां पर अगर ये तीन वंस, ये क्या हो गया, वंस, टेंस, हंड्रेड, ये आ गया 1000, 10,000, तो यहां पर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये 3 जीरो, और सॉरी ये 2 जीरो और ये 3 जीरो,
सो ये हो गया 100 और ये हो गया 1000, क्या बचा आपका 10, सो यहां पर आ गया आपका 10। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 million is equal to 10 lakh, 1 million is equal to 10 lakh, और 10 lakh को कैसे लिखेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh और 10 lakh। और हम इसको क्या करना है, अगर हमारा एक और तरीका हम देख सकते हैं, आप इसको अगर ये मेथड आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप ये भी कर सकते हो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, ये हो गया 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, यानी 1 million। 1 million को आप डिवाइड कर दो किससे, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1, 2, 3, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, ये 5 जीरो से 5 जीरो क्या हो गए, कैंसिल, कितने जीरो बचे, 10, तो यहां पर हमने क्या फिल कर दिया, 10। नाउ सेम 1 crore, 1 crore, 1 crore, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore, कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब नाउ एक रफ वर्क में हम ले लेंगे यहां, 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, डिवाइडेड बाय 10 lakh, उसको हम 10 लाख से डिवाइड कर दो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहां एक जीरो कैंसिल होगा, अगेन कैंसिल, 1 crore is equal to 10 lakh, तो हमने इसको फिल किया, कैसे फिल करना है, आप देखिए 1 crore में कितने जीरोस होते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, ये हो गया करोड़, तो 1 crore को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 10 lakh से आप डिवाइड कर दीजिए, 1 crore को 10 lakh से डिवाइड करने पर आपका क्या बचेगा, आप एक बार फिर से देख लीजिए, 10 lakh को कैसे लिखेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh, तीन कितने जीरो है, 6 जीरो, ऊपर कितने हैं, 7 जीरो है, तो 6 जीरो से लाइन वाइज 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये कैंसिल हो गया, 3 जीरो, ये 3 जीरो, क्या बचा, 10 बचा। नाउ ये जो डैश है उसमें हम फिर से क्या फिल कर देंगे, 10 फिल कर देंगे। नाउ अगेन 1 crore, 1 crore, अगेन फिर से वही, 1 crore में कितने जीरोस होते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore is equal to, किसके बराबर हो जाएगा, मिलियन चाहिए हमको। सो आपको पता है 1 million में कितने जीरोस होते हैं, 1 million में 6 जीरो होते हैं, तो हमको क्या करना है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, or crore, डिवाइडेड बाय कितने जीरो, 6, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, or 10 lakh, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, ओनली 10, सो यहां पर हम 10 फिल कर देंगे। नाउ अगेन 1 million is equal to 10 lakh, 1 million किसके बराबर होता है, 10 lakh के बराबर होता है, तो कैसे बराबर होता है, 1 million में कितने जीरोस होते हैं, 1 million में आपके जीरोस होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, और ये हो गया 10 lakh, 10 lakh is equal to 1 million, 10 lakh is equal to 1 million, तो यहां क्या लिख जाएंगे 10 lakh में, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, और ये हो गया 10 lakh, क्वेश्चन ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 1s, 10s, 100, 1000, lakh, 1 million, 1 million में कितने जीरोस होते हैं, 1 million में 6 जीरोस होते हैं, तो इसमें हमने 6 जीरो लगाए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, और यहां लिखा हुआ था बेटा पहले ही, इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, यहां पर लैक है, 10 लाख नहीं आएगा, क्वेश्चन एक्चुअली मेरे से रॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, यहां पर लैक कर दिया है। सो 1 lakh में कितने जीरोस आते हैं, 1 lakh में 5 जीरोस आते हैं, सो 5 जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, सो आंसर विल बी 10। इज इट क्लियर, एनी डाउट, सो अगर इसमें तो आपको कोई डाउट होता है तो आप एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, 1 lakh में हमारे 5 जीरोस होते हैं और 10,000 में हमारे सिर्फ 4 जीरोस होते हैं,
सो 40 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 लाख आ जाएगा, हम 40 में एक 10 का मल्टीप्लाई और करेंगे, सो वी गेट 10,000, 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख, सेम 1 मिलियन इज इक्वल टू 10,000, 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 1 मिलियन में आपके जीरोस होते हैं 6 जीरो आपके 1 मिलियन में होते हैं, सो 100 में कितने जीरोस होते हैं 2, 1000 में 3, सो 3 + 3 + 2 कितना हो गया 5, हमको एक जीरो की रिक्वायरमेंट और है तो हमने यहां पर 10 लगा दिया, 1 मिलियन अगेन वही है सेम, 1 करोड़ कितने जीरोस होते हैं, 1 करोड़ में हमारे 7 जीरोस होते हैं, और 10 लाख में हमारे कितने जीरोस होते हैं, 10 लाख में हमारे 6 जीरोस होते हैं, सो 6 जीरो इनटू एक और जीरो यानी 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, सो ये 1 करोड़ के इक्वल हो जाएगा, ओके एंड अगेन 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, सेम इसी तरह से मैंने इसका जो सॉल्यूशन है बिल्कुल इसके सामने किया हुआ है, आप लोगों को कोई डाउट है तो 1 करोड़ ऊपर लिखिएगा और उसमें 1 मिलियन का आप डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर में 10 आ जाएगा, ऐसे ही आप बाकी क्वेश्चंस भी पूरे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 1 लाख लिखा हुआ है, 1 लाख को आप 10,000 से डिवाइड कर दीजिएगा आपको 10 बचेगा, वही आपको यहाँ पर फिल करना है, ओके क्लास, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।